114 दिनों के बाद आजम खान जेल से रिहा हुए। आजम खान के साथ उनके चाहने वाले बेहद खुश भी नजर आए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आजम खान 3 बार मौत के मुंह से भी बाहर आ चुके हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब आजम खान के सीने पर 7 से 8 तमंचे तक तान दिए गए थे। चॉपर हादसे से लेकर कोरोना तक आजम खान को मिला 3 बार जीवन दान। जब सीने पर सटा दिए गए थे 7-8 तमंचे, आजम खान कल जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान पहले पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर गए, उनसे मुलाकात कर सीधा रामपुर के लिए रवाना हो गए। सीतापुर से रामपुर का सफर महज 4 घंटे का है, लेकिन आजम खान को रामपुर पहुंचने में 8 घंटे लग गए, क्योंकि जगह जगह आजम खान के चाहने वाले उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। और आजम ने भी किसी को नाराज नहीं किया। आजम खान सभी से मिलते, उनका हालचाल जानते रामपुर पहुंचे, मानना पड़ेगा। 814 दिन के लंबे समय को पार कर आजम खान बाहर आ ही गए, लेकिन क्या आपको पता है आजम खान 3 बार अपनी जिंदगी को खोते खोते बचे हैं। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने कई बातों का जिक्र किया। इसे सुनकर आपका कलेजा न फट जाए, हम पर बहुत सुख। उनकी बातों में चुभन एक दर्द महसूस की जा सकती है। तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कई किस्सों को याद कर बताया। 1989 में कांग्रेस की सरकार थी और नवाबजादा जुल्फीकार अली साहब संसद के सदस्य हुआ करते थे। उनके बड़े भाई तब जिंदा थे, मैं, मेरी बीवी और तीनों बहनें वोट डालने गई थी। उस वक्त मेरे सीने पर 7 से 8 तमंचे लगा दिए गए थे, जिनमें जर्मन पिस्टल भी थी। सबने गोलियां चलाई और मेरे पैरों पर रिवॉल्वर गिरे, पुलिस फायरिंग हुई और 200 राउंड गोली चली थी। मेरी मौत नहीं आई थी, मैं नहीं मरा। आजम खान यही नहीं रुके, एक किस्से का जिक्र कर उन्होंने बताया। पिछली बार चुनाव प्रचार में था, आप सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर के पर में मक्खी के बराबर भी कोई चीज आ जाए तो क्रैश हो जाएगा। 2 करोड़ का हेलीकॉप्टर था और एक बड़ा टुकड़ा उड़ा, बहुत जोर का धमाका हुआ, हेलीकॉप्टर नाचता रहा, कभी हाई टेंशन तारों पर उलझता तो कभी ट्रेन पर। पायलट पसीने पसीने हो रहे थे। उस वक्त एक ही दुआ याद रही थी, वह हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरा और वे ऐसी जगह गिरा कि जहां आलू निकाले गए थे और खेत बहुत नर्म था। आपको याद तो जरूर होगा, आजम खान को कोरोना महामारी के समय जेल में ही कोरोना हो गया था। इस किस्से का जिक्र करते हुए आजम खान कहते हैं, मुझे इतना भयानक कोरोना हुआ था, पूरे अस्पताल में मैं अकेला जिंदा बचा था। मेरे सामने वार्ड खाली हो जाता था और फिर भर जाता था, मैं तब भी नहीं मरा। मेरे चाहने वालों ने बहुत कोशिश की, मैं फिर जिंदा बाहर आ गया। आजम खान के इन किस्सों को बताना एक बात तो जरूर बयां करती है कि आजम खान अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि कितने भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, जब तक मेरे अपनों का हाथ और साथ मेरे ऊपर है, मुझे कुछ नहीं होगा। फिलहाल आजम अब बाहर है, उनका अगला कदम क्या होगा इस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज। अभी इंसाफ का जमीर जिंदा है।